देखिए एक सूचना अभी अभी हम लोगों को मिली है कि हमारे संस्कृत जगत के एक बहुत विद्वान पुरुष और प्रखर पुरुष अभी मैसेज हमारे संस्था की ओर से प्राप्त हुआ है कि नीलमढ़ त्रिपाठी जी जो संस्कृत के अच्छे खासे विद्वान थे ऑनलाइन में आपने उनको बहुत बार पढ़ा होगा यूपी टेट और सी टेट और सुपर टेट टी जी टी के अच्छे विद्वान थे और अभी भी सूचना मिल रही है कि अब उनका देहावसान हो गया है वो इस धरती पे नहीं रहे हैं तो हम सब लोग और आपसे भी हम निवेदन करेंगे कि हम सभी उनकी आत्मा को शांति मिले भगवान अपने चरणों में स्थान दें अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग प्रयागराज के हैं और इस तीर्थों की धरती के हैं तो मैं हनुमान जी से और गंगा माँ से ये प्रार्थना करूँगा अभी बहुत डिटेल में तो जानकारी मेरे पास नहीं है लेकिन जितनी जानकारी है उस हिसाब से वो उम्मा भी उनको देखा था मैं उनको पढ़ता था उनको सुनता था अच्छी बुलंद आवाज़ थी उनकी अब वो किन कारणों से कैसे हुआ अचानक से तो बहुत डिटेल में जानकारी मेरे पास नहीं है पर आपने उनको चंद्रा इंस्टीट्यूट का जो चैनल है उस पर आपने उन्हें कई बार देखा होगा तो संस्कृत जगत की ऐसी महान विभूतियाँ जो बहुत थोड़े समय के लिए आती हैं और मुझे लगता है कि जब संसार में अच्छे लोगों की जरूरत भगवान को भी होती है तो शायद इसलिए देखिए विवेकानंद जी या हमारे आदि शंकराचार्य जी बहुत कम उम्र में चले गए तो जो ऐसा भी कभी कभी हम देखते हैं कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं और जिनको समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो लोग जल्दी ही अपनी लीला को समाप्त करते हैं हम भगवान से प्रार्थना करेंगे और आप सबके साथ की उनकी आत्मा को शांति मिले और वो सूक्ष्म रूप से हम लोगों के साथ हमेशा रहेंगे सूक्ष्म शरीर के साथ मेरा उनसे कभी मिलना तो नहीं हो पाया था लेकिन मैं उनसे बहुत परिचित था और मैं उनको अपने गुरु तुल्य समझता था क्योंकि तो जो उनकी वाणी में वोश था संस्कृत के प्रति और जो समर्पण था जो उनके ज्ञान का स्तर था वो बिल्कुल प्रणम्य था और नमनीय था ऐसी महान विभूतियाँ आती रहें संस्कृत जगत में और वो फिर से चूँकि हम लोग ना पूर्व जन्म पर और विश्वास करते हैं कि हम हमारा जन्म होगा तो निश्चित रूप से वो आत्मा तो अजर अमर है गीता के अनुसार और वो फिर से किसी न किसी शरीर को धारण करेंगे और संस्कृत जगत में ऋषि भारत भूमि पर आए मैं भगवान से ही प्रार्थना करूँगा आज के लिए इतना ही नमस्कार संस्कृत आए